हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ नताशा सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि ये उसी के कॉन्टिन्यूशन में है. तो ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स को हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. इट मीन्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, विच मीन्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाई. जनरली आपके एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है. सबको पता होता है कि पाई की वैल्यू है 22/7. अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो ये क्या होता है, p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं. यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0. तो ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पाई तो रेशनल होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसका रीज़न क्या है, जो ये पाई की वैल्यू है 22/7, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा. नाम से समझिए डिवीज़न आ रहा है, विच मीन्स इसमें हम किसका यूज़ करने वाले हैं, डिवीज़न का. लेमा का मतलब होता है किसी ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके हम फर्दर किसी स्टेटमेंट को प्रूव करें, वो कहलाता है हमारा लेमा. और इसी से सिमिलर एक और हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम. दोनों ही काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं. एल्गोरिथम का मतलब समझे तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जो वो सीरीज़ क्रिएट करता है वो कहलाता है एल्गोरिथम. डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी और इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो. विच मीन्स एग्जाम्पल्स की तरह अगर हम समझें, मतलब कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो उनके जो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर होंगे वो किसको सेटिस्फाइड करेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करेंगे, जहाँ पे जो आपका आर है वो आपका बी से छोटा होना चाहिए और ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, दोनों ही हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ये जो ए वाला नंबर है वो हमारा बी वाले नंबर से बड़ा है. और जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहती है, ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ लेस देन बी और इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो. मतलब जो हमारा आर है वो बी से तो छोटा होगा, लेकिन या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा. जो q होता है, q का मतलब क्वेश्चेंट है और r का मतलब होगा रिमाइंडर. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए दो नंबर हैं हमारे पास 14 and 10. 14 क्या है हमारा a और 10 है हमारा b, दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b है. तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना, डिवीज़न मैंने बताया था आपको, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा 1 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 4. ठीक है, अगर हम उसको जो हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा थी विच इज़ ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए था हमारा 14, बी था हमारा 10, q आया था हमारा 1 और r आया था हमारा 4. सॉल्व कर देंगे इसको. सिंपली सॉल्व किया तो देखिए हमें क्या निकल के आया, LHS इक्वल टू RHS. यही मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बताया था, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट से किसी नए स्टेटमेंट को प्रूव करना. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा. इसमें क्या होता है, बेसिकली
ये थ्योरम कहती है कि किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर जो टर्म है, इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे. थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से ये चीज़ आपको क्लियर होगी. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 12 and 9. ठीक है, 12 के हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टर्स करेंगे. ऐसे ही सेम हम जल्दी से 9 के भी कर लेते हैं. ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3. ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3. ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब एक बहुत छोटी सी चीज़ समझिएंगे जो हमारी एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, कि कोई भी दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं, सपोज़ ए एंड बी हैं, अगर हम उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो उन्हीं दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, दैट इज़ फिक्स्ड, जो कि हम फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. ठीक है, ये तो था आपका सारा बेसिक जो आपको इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर को करने से पहले. इसीलिए आज आपका पूरा बेसिक ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड.